हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 के प्रॉब्लम नंबर 4 में स्वागत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लेते क्या है प्रॉब्लम। अ प्रिज्मेटिक बार ए बी सी डी, ए बी सी डी आपको दे रखा है, बिल्ट इन एंड ए एंड डी, यानी कि वो जुड़ी हुई है ए और डी से। इट इज सब्जेक्टेड टू द टू पॉइंट्स लोड्स पी वन एंड पी टू इक्वल टू द 80 एंड 40 एट बी एंड सी। यहाँ पे आपका 80 लगा हुआ है, यहाँ पे आपका 40 लगा हुआ है, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये आपका 80 है और ये आपका यहाँ पे 40 है। तो उन्होंने बोला फाइंड द रिएक्शन ए और डी, यानी कि आपको इसकी रिएक्शन और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो लग रही है वो देख लीजिए। तो सिंपल तरीके से मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि 80 ज़्यादा बड़ा है और पी आपका छोटा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इसी डायरेक्शन में होगी। तो रिएक्शंस क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। आर डी हो गई यहाँ पे, वही हो गया मेरा आर ए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक्स बना लेता हूँ। तो पहले मैंने देखा कि ए बी पे क्या लग रहा है, टेंसाइल आर ए लग रहा है, तो मैंने आर ए लगा दिया। फिर मैंने देखा कि आपका जो बी सी है उस पर क्या लग रहा है, आर ए माइनस पी वन, यानी कि वो लगा हुआ है आपका आर ए माइनस के 80, और यहाँ कितना लगा है आर ए माइनस के 80, ये दूसरा हो गया। और फिर अगर मैं बात करूँगा सी डी पे कितना लगा हुआ है, सिंपल तरीके से देखेंगे तो 80 टेंसाइल वो कंप्रेसिव, तो ये हो गया आपका आर ए माइनस के 40 और आर ए माइनस के 40। ये 500 दे रखी है, ये 100 दे रखी है, नहीं 1000, और ये 500 देखिए। तो मुझे पता है कि टोटल डिफॉर्मेशन शुड बी ज़ीरो। तो डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी, डिफॉर्मेशन ऑफ बी सी, डिफॉर्मेशन सी डी इज इक्वल टू द ज़ीरो। तो पी एल ओवर ए बी, तो पहले ए बी के लिए लगा रहा हूँ, तो आर ए इंटू जो लेंथ है वो 500, ए ओवर ई कट जाएगा, दूसरा है आर ए माइनस के 880 इंटू 1000, और नीचे होगा ए ई प्लस के आर ए माइनस के 40 इंटू 500 ओवर ए इज इक्वल टू द ज़ीरो। ये कैंसिल आउट हो गया, 500 से कॉमन लिया तो ये 2 हो गया, ये हट गया। तो यहाँ बचना है मेरे पास सीधे सीधे आर ए प्लस के 2 आर ए माइनस के 160 प्लस के आर ए माइनस के 40 इज इक्वल ज़ीरो। तो आर ए 2 आर ए, आर ए 4 आर ए इज इक्वल 160 प्लस 40 200। तो आर ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 200 डिवाइडेड बाई 4 इज 50। तो आप देख लीजिए यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है आपके सामने, एक आंसर आपका 50 आ रहा है, तो दिस इज़ अ करेक्ट। तो सिंपल तरीके से अब यहाँ पे क्या है कि मुझे जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की इसके अंदर, तो मुझे अब रिएक्शंस निकालनी है एट द डी। तो आप देखेंगे जो एक डायरेक्शन में लोड है मैं उसको कंसिडर कर लेता हूँ प्लस में, तो आर ए प्लस आर डी और प्लस के पी टू माइनस के पी वन इज इक्वल ज़ीरो होना चाहिए। आर ए की वैल्यू 50 है, आर डी लिख लिया, पी टू की वैल्यू 40, पी वन की वैल्यू 80 इज इक्वल ज़ीरो। तो 50 प्लस 40 90, इसमें से बच रहा है 10। तो यहाँ पे आ रहा है आर डी इज इक्वल माइनस के 10, सिंपल तरीके से। और यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कहाँ पे अगर मिस्टेक हुई है मेरे से तो प्लीज़ मुझे बताना। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम इसी तरीके से होनी चाहिए, यहाँ पे इसके आंसर में कुछ मिस्टेक है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको पता हो कि सही आंसर क्या है इसका तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।